नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। लेकिन खुर्शीद आलम और जहांगीर आलम साहब का हुक्म हुआ आप लोगों के बीच हाजिरी देने के लिए हाजिर हो गया हूं। बगैर किसी तनहीद के चार पत्तियां आप तमाम हजरात की नजर करता हूं। सब जितने लोग हैं इन्हीं लोगों को मिलकर करके इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। एक मरतबा जोरदार तालियों से हमारे हौसला अफजाई करवाए। ऐसा मौका भी एक हसी आया, ऐसा मौका भी एक हसी आया, ना ना करके भी दिल नशी ऐसा मौका भी एक हसी आया, ना ना करके भी दिल नशी आया। यूं तो आए थे सब आयात को, जिसको आना था वो नहीं आया। क्या बात है, क्या बात। होश पाती न रहे ऐसी पिला दे साथी, होश पाती न रहे ऐसी पिला दे साथी, वरना नजरों से मेरी जान हटा दे साथी। यूं तो आज तो आंखों से पिला दे साथी। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मुझे मैं बनाने में ये पुरुष आपका योगदान अवर्णनीय है, इसलिए आज मैं आपको अपना दिवस महिला दिवस समर्पित करती हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस महिला दिवस के पीछे सबसे पहले न्यूयॉर्क की उन महिलाओं की आवाज थी जो वर्ष 1908 में कपड़ा मिल में काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी तनख्वाह 47 की समय सीमा की मांग के लिए एक आवाज बुलंद की थी। और यह प्रदर्शन इतना प्रभावकारी हुआ कि वर्ष 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने सबसे पहले नेशनल वुमेन डे मनाया। सभी प्रदर्शनों को एक साथ जोड़ते हुए वर्ष 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला अधिकारों को देखते हुए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो आज हमारे पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए पूरे विश्व की बात आपने करने में सबसे पहले अपने भारत पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक महान परंपराओं वाला देश रहा है। यहाँ पर नारी को हमेशा से माता और पूज्य के रूप में माना जाता रहा है। नारी हमेशा से पूज्य ही रही है, हमारी किसी भी संस्कृति में नारी पूजनीय ही रही है। अगर इतिहास और पुराण को देखें तो नारी अपने त्याग और बलिदान के रास्ते पर चल रही अपने मान सम्मान को अर्जित की है। शायद यही वजह है कि वह सम्मान की हकदार भी रही है। किंतु आज मैं सभी पुरुष जाति से एक सवाल करना चाहती हूँ कि सोच को विस्तार कहा, बातों को आधार कहा, निर्धन को प्यार कहा और महिला को अधिकार कहा। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उनके साथ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, हर चीज में उनके उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, शायद उनसे आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं चंद्रमा पर भी पहुंच चुकी हैं, कि तो सोच के बारे
किंतु इन सब पर नजरअंदाज कर आज की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं और समाज और देश को बताना चाहती हैं कि उन्हें भी उतना ही चाहिए पार्टी का लक्ष्य तैयार हो गया होगा। जी हाँ, महिला कानून लक्ष्य लोग नारियों को सम्मानित करेंगे, महिला दिवस के अवसर पर बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे, किंतु सोचने वाली बात यह है यह महिला दिवस जो है वो हर साल एक आता है और कभी नहीं भूल सकती, इसके लिए मैं जहांगीर सर और सदैव आभारी रहूंगी और
वो तो मात्राएं हैं, उसमें नर से बढ़कर नारी है। प्रेम शक्ति की मूलत राधा मीरा रथ में डूबी है, शत्रु को है मार ठिकाना लक्ष्मी बाई की होती है। सबर करो तुम आज बता लो क्या स्थान है नारी का, बोलो सर ना देना न को नारी को सताने का। सादर धन्यवाद। आप लड़के हैं,
नहीं मुझे समाज में खुलकर जीने की, मैं भी हूँ, हक नहीं है मुझे ऊपर उठने की। दहेज और दहेज एक प्रथा रूप में चलती आ रही है। दहेज को रोकने के लिए एक नियम बनाया गया है हाईकोर्ट द्वारा। कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होगी, उसके पति या रिश्तेदार 498 के तहत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इतने नियम कानून बने हैं पर कोई उसे फॉलो नहीं करता है, उसका कोई अनुसरण नहीं करता है। दहेज लेना और देना दोनों की जुर्म है। अगर हम नारी को शिक्षित करेंगे तो क्या दहेज की जरूरत पड़ेगी? अगर माँ पिता जिस दहेज को शादी के लिए जो दहेज देते हैं वही दहेज अगर उनकी शिक्षा में अगर लगाया जाए तो फिर बेटियों को अपने पैरों पर जब वो खड़ी होगी तब शायद उन्हें माफी चाहूंगी बोलने को गलती तो हम भी कर रहे हैं कि हम अपनी खुशी से अपनी बेटी को खुश दे रहे हैं तो वो खुश देना ही क्यों दे रहे हैं? हम अपनी बेटी को शिक्षित कर सकते हैं, उसे अपने पैरों पर खड़ी कर सकते हैं। वो किसी की मोहताज नहीं, किसी पैसों की वो मोहताज नहीं है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। के साथ यहाँ पर मतलब हर चीज में हम नारियों का ही महिलाओं का ही दोष रहता है। तो क्या उन बेटों को वो शिक्षा और संस्कार नहीं दिया जा सकता है जो हम बेटियों को दिया जाता है? अगर घर पर उन्हें 8 बजे आने का अगर समय दे दिया जाए कि तुम 8 बजे आ जाओ तो शायद पलंगदार घूम जाए। शिक्षा संस्कार बहुत अहम भूमिका निभाती है और स्कूली शिक्षा पर इसका अध्ययन करवाना चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन कि जाने कि स्त्री क्या है और या खुदा ये तेरी कैसी खुदाई, या खुदा ये तेरी कैसी खुदाई, नेक बंदों के बीच मेहमानियत कैसे समा। नाजिश है मुझे उस खुदा पर नौबत भी लाएगा, नाजिश है मुझे उस खुदा पर नौबत भी लाएगा, कुछ खास वक्त देखकर गरीबों का हिसाब जरूर लगाएगा। मैं चाहूंगी कि वो गाना मैं गाऊँ इस 2 लाइन में, आप लोग गाने बजाएं मेरे साथ। कि झाड़ू पोछा कर अपना ही मजद कर तनावा, झाड़ू पोछा कर अपना ही मजद कर तनावा, दहेज दे कर इनले पानी, दहेज दे कर इनले पानी, तोहरा के सजनवा, दहेज दे कर इनले पानी, तोहरा के सजनवा। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ना जाने कितने जगहों पर ये सेमिनार होता होगा, नारियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें प्रेरित किया जाएगा आगे बढ़ने की। लेकिन यहाँ मंच पर खड़े होकर कहना और फिर घर जाके भूल जाना ये किसी काम का नहीं है। काम कब आएगा? जब हम उसका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन पर उसे लागू करेंगे। तो उस पंक्तियों के साथ तो होती रहेगी हर महफिल में बातें, वो होती रहेगी हर महफिल में अंजाम का आसरा किसने देखा है। हिम्मत रख आवाज उठाने की, हिम्मत रख आवाज उठाने की, जो कान में उस आने से कुछ नहीं होता है। आज मेरी कविता छपी है, लज्जित नहीं सम्मान चाहिए। नारी को सबने जाना या नारी ने खुद को पहचाना, सबकी खुशियों में बनाई अपना आशा, डोली में बैठ उसे हथी पर लेट जाना, मांग में सिंदूर ललाट पर बिंदिया तेरे नाम की लगाती हूँ, गले में मंगलसूत्र हाथ में चूड़िया तेरे नाम की पहनती हूँ, मैं सुहागन हूँ इसका टैग में लगाए पहनती हूँ, पायल की छनकार की तुझे सुनाने के लिए पहनती हूँ, अपना लिबास भी तेरे लिए हर रोज बदलती हूँ, मुझे रीति रिवाजों में घेरे हो उसी बहाने बताने भी करते हो, मेरे संस्कार पूछते हो मुझसे ही अत्याचार फिर भी जारी रखते हो, दर्द सहकर जन्म देती है शिशु को, दर्द सहकर जन्म देती है शिशु को, नजर न लगे काजल का टीका लगाती है इसको, पता न था वह टीका भी कालिक कोप जाएगा, माँ के उस गर्भ को एक बार फिर से लज्जित लग जाएगा, भेदभाव में पाला है माँ बाप को किसने संभाला है, दो नजरों से दुनिया का दीदार करवाया है, नीला तेरा गुलाबी तेरा रंगों का खेल आपस में खूब बंटवाया है, खुदा की अनमोल रचनाओं में सुंदर रचना नारी बचपन अपनी खुशियां त्याग कर उसमें ढूंढी अपनी दुनियादारी है, मुझे गलत नजरों से देखते हो।
हो, मुझे भी कंधे झुकाकर चलने की बात करते हो, जिस मूरत की पूजा करते हो, सामने खड़ी नारी का अपमान करते हो, बलात्कारियों को यूं आजाद छोड़ रखा है, उसे बंदी बनाकर क्यों रखा है? नारी तेरी कीमत कोई नहीं जानता, शायद इसीलिए बीच बाजार में बेच जाता है। तेरी इज्जत की उसे कोई फिक्र नहीं, शायद इसीलिए बड़े आसानी से मुड़ जाता। पिता ने कन्या दान दिया है, बेटी से पूछा नैयर वालों ने क्या कर दिया? बाप ने कन्या दान किया है, बेटी से पूछा नैयर वालों ने क्या कर दिया? पैसों की मांग कर गए हो, दहेज के नाम से जागरूक हो गया, खुद की खुशी से देना था बेटी को, उसका नाम रखना कोई भूल गया। इस सड़क में मौका नहीं, जिम्मेदारी समझो, खुद की पहलों के समान मुझे मान लो, क्योंकि मैं नारी हूँ, अभिशाप नहीं। हे ईश्वर जरा मुझे भी बता, क्या नारी इंसान नहीं? दिन में लक्ष्मी रूप की माई हूँ, रात में सटने पर तेरे जुआ की हर कीमत चुकाई, जिस हाल में भी रखा तू श्रवण बन परिवार संभाली, रात देर आने से सिद्धत बड़ा इंतजार होता है, रात देर आने से सिद्धत बड़ा इंतजार होता है, सर का ज्वाला ऊपर उठता है। सुबह की नींद अधूरी करके पेट भर नाश्ता करवाया, सुबह की नींद अधूरी करके पेट भर नाश्ता करवाया, रात को भूखी सोकर अपना हिस्सा तुम्हें खिलाया, दिन भर के काम कर थोड़ा आराम करना चाहती है, दिन भर के काम कर थोड़ा आराम करना चाहती है, ताना देकर कहते हो नाटक मत कर, दिन भर से करती ही क्या? पिता पति का दौर हमारा बेटे का दौर संभाल रही हो, सीता पति का दौर हमारा बेटे का दौर संभाल रही हो, अपने अस्तित्व की खबर रही हर दौर पर उठा उठा कर कर रही हो, घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने वाली मूरत घर की, घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने वाली ममता की मूरत हो, कैरों को अपना बनाकर जीवन त्याग कर देने वाली जीती जाती मिसाल हो, पुत्र बिक्री हूँ हारी नहीं है, तरस न पाओ बिचारी नहीं, मैं नारी हूँ प्यारी हूँ दुलारी हूँ दिल भी जब से हारी, हे नारी तुम कुछ हद तक सिरसी हो, कतरा कतरा विश्वान कर जाती हो, हे नारी तुम हर चुनौती स्वीकार करती हो, मिट्टी से नहीं ईश्वरी लोहे से करती हो। धन्यवाद। उनका श्रेय मैं खुशी भैया और जाने भैया को देना चाहती हूँ, उनके लिए मैंने दो लाइन लिखा है कि मेरी जन्मभूमि है मेरी कर्मभूमि है, CFM के जरिए मेरी पहचान मेरी हुई है, मेरी जन्मभूमि है मेरी कर्मभूमि है, CFM के जरिए पहचान मेरी हुई है, सोनियों की हस्ती में मेरी बस्ती भी बसाई है, जहांगीर भैया ने मेरी हर गलतियों को सुधारा है, खुर्शीद भैया ने निरंतर अभ्यास करना सिखाया है, बहन बेटियों का मान दिया है हम सबको, पग पर पग पग पर साथ निभा रहे हैं, कोयले को कोहिनूर बना रहे हैं, हमारी प्रतिभा को निखार है। धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गांधी नगर विश्वविद्यालय की छात्रा मनीषा प्रसाद हूँ और CFM चैनल और उनके संपादक को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके वजह से आज हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सौभाग्य है। आज महिला दिवस के अवसर पर मैंने नारी को केंद्र में रखकर ही अपनी कविता लिखी है, पर कुछ सीमित पत्रों में नारी के पूरे जीवन को अवगत कर पाना संभव नहीं है, मैंने छोटी सी कोशिश की है, सुनिए। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा आजादी तो मिलेगी तुझे पर स्वतंत्र रहने नहीं दिया जाएगा, सम्मान सुरक्षा यह सब बस तो चुनावी भाषणों में दिखाया जाएगा, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा, कभी बेटी तो कभी बहन बनकर, कभी पत्नी तो कभी माँ बनकर, जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे परखा जाएगा, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा, नामों के पाल पोस जिस बेटी को बड़ा किया उसे किसी और के यहाँ एक दिन सौंप दिया जाएगा, और समाज कहता है हर औरत का यही अस्तित्व कहलाएगा। हाथों में कंगन तो पैरों में पायल, गहनों की जंजीरों से तुझे बांधा जाएगा, और जब जब तू चाहेगी परंपराओं से निकलना तुझे पल्लू निहास का उड़ाया जाएगा, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा। स्वागत करती हूँ जो
कार्यक्रम में हिस्सा बने। मैं बेहद खुश हूँ, यह कार्यक्रम महिला दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया है और हमें नारी के लिए जाने को और सीखने का मौका मिल रहा है। आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्वरचित कविता पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है अगला दिन शबला है। नौ देवी की रूप है, फिर क्यों कहते अगला बेचारी। दुर्गा रूप वह शक्ति है, काली रूप वह दुमको हरती, सरस्वती रूप बच्चों को पढ़ा, लक्ष्मी रूप सुख समृद्धि ला, शीतला रूप वह साफ है रहती, ज्वाला रूप वह रोशन है, गौरी रूप के स्वाभिमान को बढ़ा, अन्नपूर्णा रूप खुशहाली लाती, संतोषी रूप संतुष्टि है करती, इन सब रूपों को मिलकर सारी है। नौ देवी की पूजा है करती, फिर नारी को इन्हें कोसते, जिस कोप से जल लेकर यह समाज है बनते, उसे मारने की बातें भी करते। कैसा यह समाज है, अगर नारी ना हो तो नर कहां से आते, क्यों ना इसे समझाया जाए, नारी को बढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए। नौ देवी की रूप है। आइए मैं दूसरी कविता की ओर चलती हूँ, जिसका शीर्षक है दर्द हमें भी होता है। टूट गए हैं हम, हमारा भी दिल होता है, हमारे अंदर ही जब हमारे ख्वाब का रंग होता है, तब हो जाता है दर्द हमारा, दर्द हमें भी होता है। पर पुरुष तुझे अपना कमजोर कहकर अपने आप पर
और अधिक होते नारी कोमल है, कमजोर है। इतिहास गवाह है, नारी ने जो संकल्प लिया उसको जी जान से पूरा किया, चाहे वो सती हो, सावित्री हो, चाहे रानी लक्ष्मी बाई। पर बड़ी नारी होना आसान नहीं। नारी अपने सपनों को छोड़कर दूसरों के घर को सजाती है। नारी जननी है, बहन है, सखा है, नारी संस्कृति की भाषा है। अफसोस मगर पुरुष हर रोज नारी सम्मान को ठेस पहुँचाते, अगला कमजोर कहकर नारी का परिचय दे। और ये मेरी सर्वाधिक पहली कविता है और आज मेरा पहला मंच भी है, इसलिए थोड़ा डर तो लग रहा है पर शायद मैं अपना परफॉर्मेंस ठीक से दे पाऊँ। शीर्षक है बेटी का शरण। याद उस वक्त की है, याद उस वक्त की है जब मैं छोटी थी। गौर करिएगा, याद उस वक्त की है जब मैं छोटी थी, याद उस वक्त की है जब मैं अपने पापा की बेटी थी। जिनके लिए मेरी बड़ी सी खुशियां बस इतनी सी थी। याद उस वक्त की है जब मेरी हर फरमाइश पूरी होती थी। अक्सर एक याद, गौर कीजिएगा, अक्सर एक याद आंखों से बह जाती है। मैं समझाती बहुत हूँ पर यह ना समझती है। बहुत ढूंढती हूँ वह वक्त, बहुत ढूंढती हूँ वो वक्त, पर ना जाने कहाँ खो गया मेरा बचपन, मुझसे एक दिन में छीन गया। अब जब तुम इनकी अमानत हो, ये कहकर मुझे पराये घर भेज दिया गया। कल तक जो लोग अपने थे अब वह पराये हो गए, कल तक जो लोग अपने थे वह पराये हो गए, अब कुछ रिश्ते कुछ लोग मेरे जीवन में जुड़ गए। अब ना पहले वाला बचपन है ना शरारती वाला जोश, गौर फरमाइएगा, अब ना पहले वाला बचपन है ना शरारती वाला जोश, बेइंतहा मुझ पे अब जिम्मेदारियों का बोझ है। बेटियां पराया धन है, इस बात को जरा सुनिएगा, बेटियां पराया धन है यह दुनिया जिसने भी बनाया होगा, बेटियां पराया धन है यह नियम जिसने भी बनाया होगा, एक पल के लिए वह भी रोया होगा। समझ नहीं पाई आज तक मैं कि कौन सा घर मेरा है, समझ नहीं पाई आज तक मैं कि कौन सा घर मेरा है, वह जिसकी मैं रौनक थी या जिसमें मेरा बसेरा है। कल तक जो बेटी थी आज वह माँ बन गई और इस बदली परिभाषा में मेरी जीवन की भाषा बदल गई। इसी के साथ मैं अपनी दूसरी कविता बलात्कार प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्यों मैं खूबसूरत हूँ अगर यह जो गुनाह है जो मुझे निहारती, क्या हर नजर को मेरी चाह है। लड़की होना भी श्राप है यहाँ, लड़की होना पाप है यहाँ, लड़की होना सजा है यहाँ, लड़की होना गुना है यहाँ। क्या कलयुग में इंसान इंसान है यहाँ, क्या इंसान रूप में तू रह रहा हैवान है। तेरी हैवानगी से कर जहाँ परेशान है, तेरी हैवानगी से ये जहाँ परेशान है। वह निकली थी अपने घर से, फिर कैसे जा पहुंची अपनी कब्र पे। इज्जत को लूटा गया सड़क रूपी बिस्तर पे, चिल्ला रही थी वह इस कदर, घर पर उसकी माँ राह तक रही थी प्यार भरी नजर से। वो तो उड़ना चाहती थी जैसे उड़ती पतंग, काट दिया उस पंख को हैवानों ने, मार दिया इंसानियत को इंसानों ने। अपने घर की वह इकलौती उम्मीद थी, अपने माँ बाप की वह जीत थी। काश आज ना आता, क्योंकि कल वह एकदम ठीक थी। कदम खुद को रोक जाती, इधर जिन रास्तों पर अपनी राह
जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार था और वो जन्म लेती है डर से कर सारे कम ले लेती है हंस कर पूरा जीवन समर्पित करती है हमारे बलिया रूपी जीवन को संवारने के लिए और स्वयं रह जाती है जीवन की अधूरी इच्छाओं में समर्पित। एक दिन मैंने उससे पूछा कि औरत क्या है, वे चुप रहे। मैंने फिर पूछा कि क्या है औरत, उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब न था। मैंने कहा छोड़ो, तुम आखिर जानोगे भी कैसे, तुम्हारा चुप रहना भी वाजिब है। ले पकड़ कर जरूरत का रिश्ता रखा तुमने और तुम प्यार दिखाती है। जरूरत का रिश्ता रखा तुमने और तुम प्यार दिखाती रही, उसकी सीरत भी कितनी अजीब है। अपना तौर उन मासूम औरतों पर दिखाने वाले तुमको तो महान समझता है, अपना
क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जब जब मैंने दो कदम आगे बढ़ने की सोची तब तब मुझे चार कदम पीछे किया। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बस इतना अस्तित्व है हमारा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लोग कहते हैं हम लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि हम लड़का और लड़की पर भेद नहीं करते हैं, पर क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि आज भी जब लड़कियों लड़कियों जल उठा के चलने की कोशिश करती है तो उन्हें बताया जाता है कि वह लड़कों से ऊपर नहीं जा सकती। उन्हें हर कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि वह एक लड़की है। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों करते हैं हमारे समाज के लोग? क्यों वो बेटा बेटी में अंतर क्यों करते हैं? क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? लड़के चाहे जो भी करे उन्हें बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। और अगर लड़की अपनी मर्जी से घर से बाहर भी चली जाए तो पढ़ने से पहले ही अपने दोस्त पे मार डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज में बेटी के प्रति क्या उनका नजरिया क्या है। माँ नहीं चाहती जो दुख और पीड़ा उसने महसूस किया है वो उनकी कंधे से पड़ी करे। मैं इस पीड़ा को अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं इस पीड़ा का सामना कर चुकी हूँ। मेरी माँ ने भी मुझे गोद में मार देना चाहा था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी माँ ने जो किया वो गलत किया। मैं कहूँगी उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, पर मैं अभागत उस मौत को भी छोड़ के इस संसार में आ गए। यही मेरा नसीब है और यही मेरा भाग है कि मैं इस गंदे समाज का हिस्सा बन। इस समाज में हम सब जानते हैं कि लोगों के प्रति लड़की का नजरिया क्या है, उन्हें कितना मान सम्मान और इज्जत मिलती है। मैं कहना चाहती हूँ क्यों जिस समाज में हमारा इज्जत है हम नहीं बहुत ही सही। थैंक यू। इस मिट्टी का उस
उसमें सफल हो जाएगा, ये महिला दिवस उस मिट्टी का उस दिन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज तथा देशर কাছে নিজেকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে শিক্ষাশ্রী ও কন্যাশ্রী ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ রোধে এক বিপুল জোয়ার এনেছে। কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রী রূপ পেয়েছে, এতে পরিতুষ্ট ও সমস্ত মেয়েরা লাভবান হচ্ছে। তাই সমাজে সকল স্তরের মানুষরা শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলায় উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে এগিয়ে এলে দেশের মেয়েরা নিজেদের বহুমুখী প্রতিভা তুলে ধরতে পারবে। তাহলে আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি সার্থক রূপ পাবে। সর্বশেষে বলি, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের মহিলা ক্রিকেট টিম টি-টোয়েন্টি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ খেলবে। मैं जिनको भी सुना तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर में इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारी एक छोटी सी संस्था जिसका भी जन्म ही हुआ और जन्म के साथ ही हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम की मैं छोटी सी बात